ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिना, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण है आपके तारण तरण जहात, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान के, संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज के, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज के, पूज्य मुनिवासी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, श्री बन्ना जी अतिशय क्षेत्र की, महाराज की, आज के स्वतंत्रता दिवस महापर्व की, आज समूचा भारतवर्ष अपने 77वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ महापर्व मना रहा है। क्यों मना रहा है, इसके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों का बलिदान, लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, तब जाकर हमने उस देश से, उस गुलामी से हम आज़ादी पाई और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से रहते हुए सांस ले पा रहे हैं। जो सीमा पर प्रहरी हैं, जिन्होंने पूर्व से लेकर आज तक और आगे भी, जिन्होंने अपने जीवन का आराम खोया है और ज़िंदगी की सांसों को देश के नाम निछावर कर दिया है, ऐसे उस माँ की कुक्षी से उत्पन्न हुए ऐसे वीर जवानों की शहादत और उनको नमन करने का आज का यह पावन दिवस आया है। हम वर्ष में एक दिन इस स्वतंत्रता दिवस को मनाकर और उनकी शहीदों की शहादत को याद कर लेते हैं, बाकी 364 दिन क्या करते हैं, उस परिवार से पूछिएगा जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है। एक माँ ने अपनी कोख से जन्म देने के बाद जिस बेटे का पालन पोषण किया बड़े चाव के साथ कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा, लेकिन वह बेटा एक माँ को छोड़कर हजारों माँओं को जीवन दान देता है, ऐसे उस माँ का वह लाल वीर भूमि, भारत भूमि का सपूत कहलाता है। जो ठंडी में, बरसात में, गर्मी में आप घरों में बैठे रहते हैं, सुख सुविधाओं में अपने आप को लगाए रहते हैं, ऐसे में वह वीर सपूत देश की सीमा पर देश की प्रहरी बनकर किसी दुश्मन को देश की सीमा में प्रवेश नहीं करने देते हैं, चाहे वो 40-50 का तापमान हो, भरी दोपहरी राजस्थान की गर्मी और उस पर भी रेत के पहाड़ जहाँ पर पैर रखते हैं तो ना जाने कितने अंदर तक वो पैर उस रेत में अंदर धंस जाते हैं। सूर्य की रोशनी, उसका ताप, ऊपर से पेट की भूख की अग्नि और शरीर जलता है, लेकिन फिर भी देश के सम्मान के लिए, देश की खातिर वह जवान अपने आप को उस भट्टी में झोंक देता है और किसी भी दुश्मन को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इसका नाम है कर्तव्य निष्ठा, और वह कर्तव्य निष्ठा में ओतप्रोत होकर वह जवान सजग अपनी देश की सीमाओं पर लगे रहते हैं, जिसको कहें कि उनके कारण आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारी नींद की खातिर वो रातों को ना सोते हैं, भुलाकर अपना सुकून सरहद पर हमेशा ऐसे फौजी होते हैं, कभी रातों को नहीं सोते, जागते रहते हैं 24 घंटे, अपनी
ड्यूटी बदलते रहते हैं ताकि हमारी एक असावधानी किसी दुश्मन के लिए कारण ना बन जाए और देश में रहने वाले हमारे सारे भाई बंधु मुसीबत में ना पड़ जाएं। एक परिवार हुआ करता है, उसमें पिता अपना कर्तव्य निभाता है और पूरे परिवार की रक्षा सुरक्षा किया करता है, उनके लिए भोजन पानी आदि का प्रबंध करता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा आदि का प्रबंध करता है और अपने परिवार को हमेशा उन्नति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही वह सैनिक अपने पूरे देश को परिवार मानता है, एक परिवार को छोड़कर जाता है जिस परिवार में उसने जन्म लिया, लेकिन पूरे देश को अपना परिवार मानकर उसकी रक्षा का भार वह अपने कंधे पर लेता है और उनकी रक्षा की खातिर अपने प्राणों को निछावर करते हुए देश की सीमा पर सजग पहरेदार के रूप में खड़ा हो जाता है। भारत ने कभी भी किसी पर पहले चलाकर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जो भी हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमारे लिए आँख दिखाता है, तो फिर उसके लिए भारत ने भी जवाब दिया है। पहली गोली भारत से कभी नहीं चलाई गई, क्योंकि हमारा भारतवर्ष हमेशा अहिंसा, दया और करुणा का देने वाला है, सारे विश्व को रास्ता दिखाने वाला है। इसी अहिंसा और करुणा के दया के वशीभूत होकर महात्मा गांधी जब विदेश में शिक्षा के लिए जा रहे थे, तब उनकी माँ ने उनके लिए विदेश में शिक्षा लेने के लिए अनुमति नहीं दी थी। तब महात्मा गांधी ने माँ को बहुत समझाया था, पर माँ नहीं मानी। तब फिर उन्होंने संकल्प लिए कि हम 3 संकल्प लेते हैं, हम कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, हम कभी रात्रि भोजन नहीं करेंगे और हमेशा अहिंसा और दया का पालन करेंगे। तब जाके माँ ने उनको अनुमति दी, विदेश में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जब वहाँ पर ट्रेन में जब यात्रा कर रहे थे तो काले और गोरे के भेद के कारण उनको वहाँ उस ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। तब उन्होंने सोचा कि विदेश में आकर विदेशी शिक्षा लेना और विदेश के नियमों का पालन करना आप कितना ही कर लें, लेकिन कभी आप उस देश के स्वामी नहीं बन सकते, हमेशा आपके साथ वो भेदभाव किया जाएगा। इससे उनके हृदय में गहरा आघात लगा और तब वहाँ से लौटकर वो भारत पे आए और भारत में आकर जब उन्होंने देखा कितनी गरीबी और भूख के कारण सारे लोग परेशान हैं, इतना भोजन नहीं है कि हमारा देश का नागरिक 2 वक्त का भोजन अच्छे से कर सके, अच्छे वस्त्र पहन सके, तो नदी में उन्होंने देखा स्नान करते समय कुछ ही दूरी पर एक माँ अपने बच्चे के साथ कपड़े धो रही थी, लेकिन कपड़े बहुत कम थे। उन्होंने वहाँ अपना ऊपर का दुपट्टा पानी में छोड़ दिया और बहकर उस माँ के पास पहुँच गया। माँ ने तुरंत उस दुपट्टे को लेकर शेष जो तन था अपना ढांक लिया। उसके बाद उस महात्मा ने कभी भी अपने ऊपर उस दुपट्टे को नहीं पहना, हमेशा एक धोती के कारण अपने देश की आज़ादी उस अहिंसा दया के करुणा के बल पर आज़ाद कराने का श्रेय प्राप्त कर लिया, जिसके नाम को आप महात्मा कहते हैं। ऐसे वह महात्मा गांधी जैन धर्म के श्रावक राजचंद्र जी से प्रभावित हुए थे और उनका उनके जीवन पर गहरी छाप पड़ी थी। जैन धर्म में भी 4 प्रकार की हिंसा कही गई हैं, बतलाई गई हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। श्रावक इन 4 हिंसाओं में लगा रहता है, लेकिन मात्र उसका एक हिंसा का त्याग हुआ करता है, जिसको कहते हैं संकल्पी हिंसा। हम किसी को मारने नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर मारता है, आक्रमण करता है, तो विरोध करना हमारा अधिकार हुआ करता है। हम वो नहीं कि लोग एक गाल में चांटा मारें तो हम दूसरा गाल भी कर दें। ये काम तो हमारे ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने 4 हिंसा का त्याग कर दिया है,
वो उपसर्ग और परिसर को सहनते हैं, कोई उनका गला भी काट दे, कोई उनके ऊपर कितना भी उपसर्ग आक्रमण कर दे, उसका वो प्रतिकार नहीं करते हैं, लेकिन श्रावक उसका पुरजोर विरोध करता है। ऐसा वह भारत विश्व को दया और करुणा का संदेश देने वाला है। सीमा पर सजग प्रहरी जो होते हैं वो इसी का ही संदेश देते हैं। हमारे यहाँ हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की यह संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। हमने सबको गले से लगाया है, खुद भूखे रहे लेकिन दूसरों को हमेशा खिलाया है, लेकिन जो हमारे लिए मुँह से निवाला छीनता है, दूसरों पर आक्रमण करता है, मारता है, अपना स्वामित्व जमाना चाहता है, तो फिर देश का वह वीर जवान भी पीछे नहीं रहता है, उनके लिए वह तोड़ जवाब देता है। ऐसे उन वीरों की शहादत को याद करने का यह दिवस है। पूर्व से ही यह स्वतंत्रता केवल गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने का नाम नहीं है। स्वतंत्रता तो वास्तव में अपने देह से उस शुद्ध आत्मतत्व को प्राप्त करने का नाम स्वतंत्रता हुआ करता है। जब हम इस देह से परम विदेह को परम विदेही हो जाएं और सिद्धालय में विराजमान हो जाएं, तब जाकर वास्तव में हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अहिंसा को अपनाकर महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया और उनकी अहिंसा को देखकर हजारों लोगों ने उनका साथ और सहयोग दिया। तो सुभाष चंद्र बोस की भी उस क्रांतिकारी नीतियों को देखकर कुछ क्रांतिकारी भी उनके साथ हो गए, तो दोनों तरफ से कार्य चला। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने उस आज़ादी में अपना सहयोग प्रदान किया। जैन हो अजैन हो, हजारों लोगों ने अपना उस आज़ादी के यज्ञ में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जिन सैनिकों के चलते आज हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे, आनंद उठा रहे, जिनके कारण आज हम अपने जीवन को उन्नत और सुखी बनाकर मानकर यहाँ पर रह रहे हैं, उन वीर जवानों की शहादत को, उनके परिवार को आज क्या वह सम्मान मिलता है? सैनिकों का वह सम्मान, वह काफिला निकल जाता है लेकिन कोई व्यक्ति उनको जय हिंद भी नहीं कहता है। एक नारा हमारे यहाँ पर चला था पूर्व में कि जय जवान जय किसान। जवान देश के प्रहरी हुआ करते हैं, तो देश के अंदर रहने वाला वह किसान प्रत्येक पेट के लिए अनाज देता है, भोजन देता है। अगर ये दो ना हो तो हमारा जीवन सुखी और संपन्नता से भरा हुआ नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसान खेत पर जी तोड़ मेहनत करता है, फसल को उगाता है, कुछ अपने पास रखता है, बीज सुरक्षित रखता है, बाकी आपको दे देता है, उसी प्रकार से ये दोनों मिलकर देश की उन्नति में, देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया करते हैं, लेकिन आज उनको वह सम्मान न मिलता है, ना उनके लिए कोई उस सम्मान की दृष्टि से देखता है। राजनीतिकरण बहुत हुआ करता है लेकिन केवल एक उनके लिए मान लिया जाता है कि मात्र ये नौकरी, परिवार का भरण पोषण करने वाला ये सैनिक है। उनकी कर्तव्य को, उनके देश की निष्ठा को, उनके देश प्रेम को आज कोई नहीं जानता। नौकरी अगर करना होती तो नौकरी करके, कहीं भी काम करके पेट को भरा जा सकता है, पर सीमा पर ही जाकर सैनिक बनकर सामान्य नौकरी नहीं, जो अपने प्राणों को हथेली पे रख के काम करता है, वह पेट भरने के लिए तो नहीं जाता होगा। कहीं भी रहकर हम उस परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन देश की सीमा पर जो पहुंचते हैं वास्तव में वो वीर सपूत हुआ करते हैं, जिनके अंदर मातृभूमि का, देश की भूमि का जो जज्बा हुआ करता है कि ये हमारा जीवन उस मातृभूमि के काम आ जाए, तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। युद्ध में एक सैनिक जब जख्मी होता है तो वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, जब तुम घर में जाओगे तो मेरी माँ भी मुझसे आपसे पूछेगी, मेरा पिता भी आपसे पूछेगा,
मेरी बहन भी आपसे पूछेगी, मेरा बेटा भी आपसे पूछेगा, परिवार के प्रत्येक सदस्य आपसे मेरे बारे में पूछेंगे, तब उनको आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि किसी को सीधा कह देना कि जो बेटा आपके बुढ़ापे की लाठी था, किसी बच्चे का पिता था, किसी माँ का लाल था, आज वह शहीद हो गया, उस परिवार पर क्या बीतती है? वह कहता है कि मेरी माता जब पूछे तो सीधा तो तुम कह नहीं पाओगे, लेकिन घर के अंदर जाकर तुम एक दीप बुझा देना, फिर भी माता अगर ना समझ पाए तो दो आंसू अपने छलका देना। मेरा पिता पूछे तो उनको कलाई पकड़कर उसके हाथ को सहला देना, और मेरी बहना जब मुझसे पूछे मेरा पता तो उसकी सामने अपनी सूनी कलाई दिखला देना, हो सके फिर भी ना समझ में आए तो उसके सामने उस राखी को तोड़ देना। मेरी पत्नी जब आपसे मेरे बारे में पूछे, मेरी कुशल क्षेम पूछे, तब उसको आप क्या बतलाओगे? अपने हाथ से उसकी मांग का सिंदूर पहुँच देना, और फिर भी उसको समझ में ना आए तो फिर एक सफ़ेद साड़ी उसको लाके दे देना। बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना, फिर भी नहीं समझ पाए तो उसको अपने गले से लगा लेना। भाई मेरा पूछे तो खाली राह दिखा देना, और इतने पर भी यदि समझना आए तो उसको सैनिक धर्म समझा देना। ये देश का सैनिक अपने परिवार को इस प्रकार से सांत्वना देते हुए अपने भाई को बता देता है कि जब घर पे जाओ तो मेरे सैनिक धर्म को समझा देना, उनको बता देना कि एक सैनिक वीर सपूत मातृभूमि की सेवा करते करते देश पर शहीद हो गया, आज उनकी शहादत को याद करने का ये दिन है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को मैं चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना, तो ए भारत माँ मैं अपनी माँओं की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। कई ऐसे वीर सपूत जो घर में आते हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं, शादी होती है, विवाह का मांगलिक उत्सव घर में होता है, और दो घंटे भी नहीं होते शादी को, और तुरंत आदेश आ जाता है कि सीमा पर किसी दुश्मन ने प्रहार कर दिया है, वह जाकर तुरंत उस विवाह के मंगल उत्सव को छोड़कर तुरंत वापस सीमा पर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी, उसकी परिवार के लोग नम आँखों से उसकी विदाई कर देते हैं, लेकिन सीना में एक गर्व को लिए होता है वह परिवार कि मेरा बेटा देश के काम आया, आज देश ने उसको याद किया, और वो हम सब के मोह को छोड़कर देश की सीमा पर अपने कर्तव्य को करने चला गया। वह वीर सपूती वीरांगना, उसकी धर्मपत्नी उसके माथे पर विजय का तिलक लगाती है, अपने गजरे को सहलाती नहीं, उसके सीने में अपने सर को रखकर उसकी दुआओं को देती है कि तू विजय हो के लौटो। विजय होने का माँ आशीर्वाद देती है और हंसी खुशी के साथ उसको सीमा पर पहुँचा देती है। ऐसे ही बहुत से शहादतों को याद करते हुए कितना नाम लें, एक जीवन तो शायद कम पड़ जाए, इतने वीर सपूतों ने भारत माँ की सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया। कुछ को हम याद कर पाते हैं और कुछ को यूं ही हम भूल जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो अंधेरे में उस गुमनामी में खो गए, आपके बाजू में एक शहर है जिसका नाम है झांसी, वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई का तो आपको सबको पता है, लेकिन उनके साथ में रहने वाली एक और वीरांगना, एक और वह माँ जिसका नाम था झलकारी बाई। वो झलकारी बाई जिसके बचपन में माँ का देहांत हो गया था, पिता ने उस बेटी को पाला पोषा, माँ का कर्तव्य भी पूरा किया और पिता का कर्तव्य भी पूरा किया। कितना मुश्किल हुआ करता है एक पिता को माँ बनकर अपने बच्चों को पालना। माँ तो फिर भी पिता बनकर बच्चों को पाल लिया करती है, क्योंकि माँ माँ होती है,
पता जब चलता है जब वो हमसे जुदा होती है, क्योंकि माँ खुदा होती है। लेकिन पिता कभी माँ नहीं बन सकता, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए उस बेटी का पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी, अच्छे से उसको कुछ घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि सारी कलाएं उसको सिखाईं, और अंत में अपनी बेटी का विवाह रानी लक्ष्मीबाई के वीर सैनिक के साथ कर दिया। उस वीर सैनिक के साथ जब उस झलकारी माँ का विवाह हुआ था, तब बहुत छोटी वह उम्र थी, 18 वर्ष की होगी। उसके बाद वह वीरांगना लक्ष्मीबाई के पास आती रहती थी। एक बार उसके कौशल को देखकर लक्ष्मीबाई ने अपनी दुर्गा वाहिनी का उसको प्रमुख बना दिया। अब वह रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षण में आई, तो यहाँ पर उसने तोप, गोला और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। और उससे सबसे बड़ी बात ये थी कि वह झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल के रूप में थी। चाहे रानी लक्ष्मीबाई को देख लो या झलकारी बाई को देख लो, दोनों की शक्ल एक सी लगती थी। तो कई बार रानी लक्ष्मीबाई के धोखे में झलकारी बाई सैनिकों को मात दे जाती थी। कई बार युद्ध हुए, हर बार उसको मोई की खानी पड़ती थी और रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकाल ले जाती थी। अंत में एक बार अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उस झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकाल कर ले जा रही थी, तभी पीछे से सैनिकों ने आक्रमण किया, तो झलकारी बाई खुद सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित महल से वापस निकाल दिया। बाद में लक्ष्मीबाई सुरक्षित स्थान पर पहुंची। ऐसी उस वीरांगना ने भी अपना समर्पण और त्याग झांसी के किले को बचाते हुए अपना शहीद जीवन किया। ऐसी झलकारी बाई को भी आज याद करने का दिन है। हम उन वीर सपूतों को भी याद करें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देते हुए अपने परिवार को देश के लिए छोड़ गए, लेकिन देश उनके परिवार का वह सम्मान जिसका वो हकदार हुआ करते हैं नहीं मिला करता। पूज्य महाराज श्री ने पिछले वर्ष खजुराहो में एक छोटा सा दीप जलाने का कार्य किया वीरोदय के नाम से। उसमें सैनिकों के परिवार का सम्मान यथोचित जितना हो सकता है करने का प्रयास और पुरुषार्थ किया। इस बार भी वो होगा, आप सबको उसकी सूचना मिलेगी, आप सब भी पधारें। वह सम्मान सैनिक चाहता नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि जिसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसके परिवार का, उनके बच्चों का, उनके बेटियों का, उसके परिवार में जितना बन सके हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। क्योंकि जो सैनिक सरहद पर तैनात रहे, वन देश के पहरेदार हैं, दुश्मन जो आँख उठाए तो उस पर करते वह वार हैं, माना धरती को माँ जिसने, करते उसका सम्मान है। और उन वीर जवानों की खातिर सारा भारत उनका परिवार है। ऐसे उन वीर धमीरों के परिवार को, उनके सम्मान को हम सब बरकरार रख पाएँ। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की